मेरे चैनल। सो यार आज जो है सेकंड सैटरडे भी है और कल संडे, तो मैं और मेरा भाई देखो हम खड़े हैं बाइक पे हैं। तो आज हमारा जो है प्लान है कि हम हरिद्वार घूमने का। तो मेरा भाई कह रहा था कि यार काफ़ी टाइम हो गया भोलेनाथ जी के दर्शन करके आते भोले बाबा के, तो हम लोगों ने प्लान बनाया। तो ये देखो पीछे खड़ा है, हमने पेट्रोल वगैरह तो फुल करा लिया है और हवा वगैरह भी करा ली है भाई, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना लंबे सफ़र में दिक्कत आ जाती है। तो हम लोग का प्लान है, अभी जस्ट टाइम हो रहा है 10:34 टाइम हो रहा है, तो अभी हम बस निकलने वाले हैं। बाकी अभी हम नारायणा में खड़े हैं, तो अभी निकलने वाले हैं। अभी हम यहाँ खड़े हैं नारायणा फ्लाईओवर के यहाँ, अपना ये सीमा सड़क भवन के यहाँ पे। तो बस अभी जस्ट, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज जर्नी। मेरा भी यार मन था काफ़ी, थोड़ा यार सर दर्द भी हो रहा था मेरा, तो सही बताऊँ बिना नहाए तो हम फिर निकल रहे हैं। चल फिर चलते हैं भाई। गाड़ी का पोल्यूशन भी ख़त्म हो गया था, तो अभी पोल्यूशन करा रहे हैं। मैं इसको बोला था पहले देख लियो भाई सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर है कि नहीं। ये कह रहा था कि पोल्यूशन ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जब मैं कह रहा था ना पोल्यूशन ख़त्म है, कोई नहीं अब कराते हैं भाई और क्या, बिना डॉक्यूमेंट्स के तो यार जाना सही नहीं है कहीं। तो भाई करा लिया पोल्यूशन हो गया। कितना किलोमीटर दिखा रहा है एक बार ये तो दिखा दे भाई, आप लोग दे दो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो टोटल जो हमारी जर्नी है 4 घंटे 12 मिनट की है, 216 किलोमीटर दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी हम निकलने वाले हैं, टाइम क्या हो रहा है भाई, 10:50 हो रहे हैं। हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, ये आप लोग देख सकते हो, ये दिखा रहा है गंग नहर की बाई पटरी मार्ग, आप पर आपका स्वागत है। और ये हरिद्वार दिखा रहा है हमारा करीब 162 किलोमीटर। तो थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए रुके थे हम यहाँ पे पानी वानी पीने, तो चलो अब निकलते हैं। चल भाई चलते हैं। भाई अभी हम एक जगह और रुके हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है ये दिखा रहा है डूंगर, अभी करीब 132 किलोमीटर हो रहे हैं। और मैं अपने अभी इसमें देख लेता हूँ, इसमें 135 दिखा रहा भाई, यार थोड़ा ऊपर नीचे तो फ़र्क रहता ही है। 2 घंटे 25 मिनट दिखा रहा है 135 किलोमीटर। और अब बाइक मैं चला रहा हूँ, ये कह रहा है कि भाई थक गया मैं, तो मैं कहा भाई थकेगा क्यों नहीं, लगातार गाड़ी चलाएगा तो मैं, चल भाई अब मैं चला लेता हूँ बाइक। तो भाई अब मेरी बारी है, चलो भाई चलते हैं। चलो काफ़ी देर ड्राइविंग के बाद हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे रुके हैं नसीरपुर कावड़ पटरी मार्ग। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं हरिद्वार, ठीक है। हम यार करीब निकले थे भाई 10:34 पे अपने घर से नारायणा से, और अब हम करीब 4:01 हो रहा है, तो अब जाके पहुंचे। बाकी हम यार एक दो जगह रुके थे, ज़्यादा देर नहीं रुके स्टे वगैरह करने। अब फ़िलहाल यार पहुंच गए हैं, तो अब दर्शन करते हैं भोलेनाथ जी के और स्नान करते हैं गंगा स्नान। बाकी मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो एक्सप्लोर करूँगा, यहाँ पर मंदिर वगैरह भी हैं काफ़ी अच्छे, मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हम जाएंगे आप लोगों को भी मैं दर्शन कराऊंगा मंदिरों में, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यार पीछे जस्ट हमारे शंकर भगवान जी की मूर्ति है काफ़ी बड़ी, ठीक है।
तो भाई देख लो, अब हम मार्केट में हैं हरिद्वार की, और देखो कितनी सारी भीड़ है भाई यहाँ। तो खैर हमेशा भीड़ मिलेगी भाई, जो भी धार्मिक स्थल वगैरह है ना, तो कितनी सारी भीड़ है आप देख। शिवांगी तुमने मैंने क्या बोला? भाई लोग भीड़ देखो यार कितनी जबरदस्त है भाई, देख रहे हो भीड़ कितनी। सो फाइनली गाइस हमने गंगा स्नान कर लिया, और ये देखो। हाँ भाई मजा आ रहा है। तो भाई अब हम दोनों गंगा स्नान तो कर लिया है, मजा आएगा यार, बिल्कुल बहुत ठंडा पानी है, और ये देख लो भाई। तो गाइस हमने गंगा स्नान तो कर लिया यार, कपड़े वपड़े पहन लिए, बाकी चलते यार मंदिर वगैरह घूम। तो भाई अब हम मार्केट में आ गए हैं, मतलब हरिद्वार की। ये काफ़ी सारे मतलब यहाँ पे कुछ होटल्स वगैरह की सुविधा है, और ये मार्केट है मतलब ख़रीदने के लिए चीज़ें। अब हम गंगा स्नान तो हमने कर लिया था, उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज करके तो अब हम मार्केट की तरफ आ गए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या क्या अवेलेबल है। ये भाई गंगा जल भरने के लिए ना, ये प्रसाद वगैरह है, और यहाँ पे मतलब देख सकते हो यार आप, इसमें यहाँ पे ना कुछ ये होटल्स वगैरह की सुविधा भी है। अगर जैसे किसी को होटल वगैरह में रुकना हो तो होटल में रुक सकता है, स्टे कर सकता है, बाकी धर्मशाला वगैरह भी हैं। बाकी अभी यार अब मनसा देवी मंदिर है यहाँ पे, हमने अभी पूछा था वहाँ पे जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर, तो यार मंदिर में जाते हैं दर्शन करते हैं, और आप लोग दर्शन कराता हूँ, चलते हैं फिर मनसा देवी मंदिर। भाई लोग देखो हमें है ना वहाँ जाना है, और मनसा देवी जी का मंदिर, और अभी हम काफ़ी चढ़ाई ऊपर चढ़ चुके हैं, अभी तो काफ़ी चलना बाकी है, चलो यार चलते हैं। ऐसा लग रहा है सारा वर्कआउट आज ही होगा। भाई बंदर जी बैठे, जय श्री। व्यू देखो भाई यहाँ से, भाई लोग प्रसाद वगैरह तो ले लिया है, अब जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने। बाकी यहाँ पे नीचे लोग बता रहे थे कि उड़न खटोला भी एक, जिससे डायरेक्ट हम लोग ऊपर भी जल्दी पहुँच सकते हैं, लेकिन यार देखो माता जी के दर्शन करने आए हैं तो यार थोड़े बहुत कठिनाई तो होगी, लेकिन जो मज़ा पैदल चल के दर्शन करने में वो किसी चीज़ में नहीं है यार। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे, बस थोड़ी सी दूरी पे और है, बस वहाँ पे जाना है थोड़ा सा आगे, माता जी का मंदिर है, तो चलते हैं दर्शन करते हैं। मैं अपने थोड़ा भाई का वेट कर रहा था, वो मेरे से थोड़ा पीछे रह गया यार, आगे पीछे हो ही जाते हैं भीड़ वगैरह में। चलो आ ही जाएगा वो, बात हो गई मेरी, मैंने फ़ोन पे बात की थी। भाई मंदिर तो पहुँच गए ऊपर, देखो भीड़ देखो कितनी ज़्यादा हो रही है भाई, लाइन में लग गए यहाँ पर बहुत लंबी लाइन, भीड़ आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। भाई यहाँ मंदिर से है ना व्यू देखो आप नीचे का कैसा नज़र आ रहा है, मतलब इतनी इतनी हाइट पे हम लोग, देख रहे हो लाइटिंग वगैरह कैसा है। भाई मंदिर से दर्शन तो करके आ गए हम लोग, काफ़ी लंबी लाइन थी यार, ये देखो पहले कह रहा था कि मैं थक गया भाई मेरे बस की नहीं है, उन्होंने कहा चल हिम्मत रख, चलो भाई चलते हैं नीचे जा रहे हैं अब हम। भाई नाइट व्यू देख लो मार्केट का हरिद्वार, अभी हम मनसा देवी जी के दर्शन करके आए हैं, पैदल पैदल गए थे भाई, बहुत बहुत
एक तो भीड़ भी इतनी हो रही थी। अब जा रहे हैं जहाँ पे आरती हो रही है घाट के पास, भाई मार्केट देख लो दुकानें। तो गाइस मंदिर वगैरह के दर्शन करके हम आ गए, मनसा देवी मंदिर भी गए थे और चामुंडा माँ मंदिर भी, जो का यहाँ दोनों मेन मंदिर है हरिद्वार का। तो अब फिलहाल हम फाइनली जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, मतलब यहीं से हम गए थे यार अपनी बाइक को पार्किंग लगा के, और वो आपको भोलेनाथ जी दिख रहे होंगे जो उनका स्टैचू बना हुआ है। अब तो रात के टाइम पे यार और अच्छा लगता है, मतलब लाइटिंग वगैरह रहती ना। बाकी हमने आरती वगैरह भी देखी यार, मतलब थोड़ा सा लेट हो गए थे हम आरती में। बाकी सुबह सुना है कि सुबह 6 बजे भी होते हैं, तो हम सुबह जल्दी उठेंगे, कोशिश करेंगे। बाकी अभी हम थोड़ा स्टे वगैरह के लिए यार थोड़ा देख रहे हैं धर्मशाला वगैरह या फिर होटल में रूम लेके रुकेंगे, क्योंकि फ़ोन में भी यार चार्जिंग कम है, बैटरी वगैरह लो है। तो देखते हैं, कुछ खाया भी नहीं यार, भूख लग रही है। तो अब देखते हैं रूम वगैरह कहाँ मिलता है यार, ठीक है।